खंडवा में श्रावण मास के चलते कावड़ यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान शहर के कहरावड़ी क्षेत्र में यात्रा में शामिल कुछ युवकों के बीच आपस में विवाद की स्थिति बनी, जो देखते ही देखते पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। हंगामा होते देख पुलिस को हल्का बल इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। हालांकि पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से भीड़ में शामिल जो युवक हंगामा कर रहे थे वह सभी भाग गए और हंगामा खत्म हो गया। हंगामे के बाद जिला दंडाधिकारी ने बताया है कि छुटपुट घटना हुई थी, लेकिन फिलहाल शांति है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो हमारे शहर का कारवाड़ी एरिया है जहाँ पर पुलिस चौकी बनी हुई है, पूरी कावड़ यात्रा लगभग 90% निकल चुकी थी। जो अपना आखिरी स्ट्रेस था जब वो कारवाड़ी एरिया से निकल रहा था, तो फिर उसमें देखने में आता है कि कुछ लोग दाएं बाएं भागते हैं और अचानक से कुछ पत्थर चलने की ऐसी अफवाह भी आती है और कुछ पत्थर चले भी हैं शायद। उसके बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर स्थितियों को अपने नियंत्रण में लेता है और वहाँ पर भीड़ को खदेड़ करके वहाँ से पूरे रूट को क्लियर करा देता है, और जो भी वीडियो फुटेज मिलेंगे उसको सही से देखा जाएगा। उसके बाद उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसके आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार की गाड़ी की, हाँ, उस ऐसा पता चला है कि तहसीलदार की जो गाड़ी का फ्रंट कास्ट टूट गया है, उस सब भी वीडियो फुटेज देखे जाएंगे कि कैसे पत्थर चले या क्या हुआ, उसके आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। 144 लगाया गया, अभी हम लोग उस पर एसेस करेंगे, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, न्यूज़ टॉक।